वेलकम अगेन गाइज, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम ट्राइसेप के कुछ वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब कभी भी अगर बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो उसके पहले हमको वार्म करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपने आपको अगर नहीं पता कि वार्म किस तरह से किया जाता है, कौन सा वार्म है बाइसेप ट्राइसेप का, तो आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने बाइसेप के वीडियो अपलोड किए थे। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाए जरूर और जरूर उस वीडियो को देखो आप, उसमें आपको पता चलेगा कि बाइसेप ट्राइसेप के वार्म किस तरह से किए जाते हैं। और आज का जो ट्राइसेप का वर्कआउट हम जो परफॉर्म करने वाले हैं वो मेरा खास स्टूडेंट है दीपक के साथ। तो अभी इतना ही वर्कआउट कर ही रहा है दीपक आपके सामने, तो स्टार्ट करें। तो आज हमारा ट्राइसेप पे वर्कआउट है, सारा ट्राइसेप फोकस रहेगा। बहुत लोग क्वायरीज रहती है कि हमारे ट्राइसेप ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, इसका परफेक्टली मूवमेंट क्या है, किस एंगल से हमें ट्राइसेप की मूवमेंट परफॉर्म करने हैं, आज हम वो सब सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज हम थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होगी और उसके अंदर हम 5 सेट परफॉर्म करके ट्राइसेप के आपके साथ में। हम पहले सेट की तरफ जाएंगे, लेट्स गो। आज का हमारा पहला जो सेट है ट्राइसेप का वो है किक बैक। तो किक बैक में हमेशा आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि हम जब ये वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो हमारी पोजिशन ही वो इस तरह से होनी चाहिए, बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए और दोनों हैंड जो आपके दोनों हाथ है दोनों आर्म्स है वो ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए और हमें इस तरह से परफॉर्म करना है इसको। इस पे आप ज़्यादा वेट ना लें, 5 kg मैंने 5 kg लिया है। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो 7.5 kg 10 kg जा सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी। पर जहाँ तक कि बिगनर का सवाल है 5 kg या तो 2.5 kg का डंबल, तो 5 kg इनफ है। मैं 7.5 kg का 10 kg यूज़ करता हूँ, पर अभी वीडियो में आपको बताने के चलते मैंने 5 kg का लिया है। तो ये जो किक बैक का जो सेट है ट्राइसेप की, अगर आप पहले इस सेट को आपके वर्कआउट में इंक्लूड करते हो ट्राइसेप के सेट में, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अभी हम दूसरे वर्कआउट की तरफ जाएंगे, जो हमारा ट्राइसेप का सेकंड वर्कआउट है उसमें हम आपको दिखाएंगे। अभी हमारा जो सेकंड ट्राइसेप का वर्कआउट है उसकी तरफ हम जाएंगे। मेरा स्टूडेंट है दीपक करके, वो ट्राइसेप का वर्कआउट सेकंड परफॉर्म करके दिखाएगा। ये जो हम रॉक इस्तेमाल कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं, ये ट्राइसेप का सबसे मेन वर्कआउट है, आज हम देखेंगे। देखो जब भी आप ट्राइसेप का वर्कआउट कर रहे हैं सबसे मेन इसका जो मेन उसकी थिंक है, आपको जब ट्राइसेप का जो वर्कआउट परफॉर्म करते हो तो उसकी मूवमेंट एकदम स्लो होनी चाहिए। बिगनर्स लोग क्या करते हैं एकदम फास्ट स्पीड में करते हैं, नहीं देखो ये मूवमेंट जो है एकदम स्लो है, स्लो मूवमेंट में हमको परफॉर्म करना है, बराबर। अभी आपको बताऊंगा कि आगे इसको किस तरह से अच्छे से परफॉर्म किया जाता है, बराबर। हाँ देखिए, तो अगर आप इस तरह से अगर आप ट्राइसेप का वर्कआउट परफॉर्म करते हो रॉक पे, तो आपके जो जो ट्राइसेप्स की जो डेंसिटी है वो क्लियर होगी, वो अच्छी होगी और ट्राइसेप में आपको एक अच्छा पंप फील होगा। हम अपने तीसरे वर्कआउट तक जाएंगे और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अच्छे से देखें। हम अपने तीसरे वर्कआउट तक जाएंगे। ओके okay. ये हमारा तीसरा वर्कआउट है ट्राइसेप का। रिवर्स में हम ट्राइसेप इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उसकी जो ट्राइसेप की जो कटिंग रहती है जो फ्लेक्सिंग बहुत अच्छे से दिखती है। अभी सब लोग बोलेंगे कि रस्से का जो हमने रॉप ये परफॉर्म किया उसका ये क्यों सेट आया, आपको बेटर पंप चाहिए, एकदम एट्रैक्टिव ट्राइसेप चाहिए, तो आप रॉप के बाद हमेशा ये वाला सेट यूज़ करें तो आपको बहुत अच्छा सा पंप मिलेगा, बहुत अच्छी ट्राइसेप की डेवलपमेंट, आपकी ट्राइसेप की डेवलपमेंट बहुत अच्छी रहेगी। तो ये जो ट्राइसेप का तीसरा वर्कआउट था इसको थर्ड नंबर पे ही आपको यूज़ करना है, थर्ड नंबर पे आपको परफॉर्म करना है। तो अब हम अपने चौथे सेट की तरफ जाएंगे बिना किसी वीडियो को लंबा किए हुए, लेट्स गो। जो चौथा सेट है ट्राइसेप का वो आज हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो मेरा जो स्टूडेंट है दीपक, आज के साथ में हम ये चौथा सेट टेकिंग कैसे मारते हैं, ओके स्टार्ट करेंगे अपन। तो जो ये सेट है, ठीक है, जो ये ट्राइसेप का जो सेट है, ओके स्टार्ट करेंगे। जो ट्राइसेप का सेट है सबसे ट्राइसेप का एक बेस्ट पार्ट है ट्राइसेप के सेट का, इस सेट को कभी मिस ना करें, सबसे बेस्ट सेट है ट्राइसेप का, मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो हम देखेंगे इसको किस तरह परफॉर्म करते हैं। जब हम इसको परफॉर्म करेंगे मेक श्योर हमारा हैंड इस तरह से होना चाहिए, बहुत तो क्या करते हैं पता है इस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये इस तरह से करते हैं जो कि पूरा गलत है, इस तरह से कभी परफॉर्म ना करें। इसको परफॉर्म करना तो बिल्कुल आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, तो आपके ट्राइसेप की जो डेवलपमेंट है ट्राइसेप का डेवलपमेंट है वो बहुत करेक्टली होगा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि इसका मूवमेंट किस हिसाब से होना चाहिए। मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको इसीलिए शेयर किया है कि इसके रियल सेट्स क्या है और इसकी मोमेंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको चौथा सेट बहुत अच्छी तरीके समझ में आया होगा। अब हम 5वें सेट की तरफ जाएंगे, लेट्स गो।
जो लास्ट सेट है ट्राइसेप का, हम उसकी तरफ जाएंगे। एक्चुअली लास्ट जो सेट है हमेशा वो ऐसा सेट होना चाहिए कि आपको जितना भी अपने ट्राइसेप का वर्कआउट किया है उसको, उस पंप को बरकरार रखिए, उसको स्टील रखिए, ठीक है। तो हम अपने पाँचों सेट में जाएंगे। तो पाँचों सेट हमारा जो है ट्राइसेप का, हमारा एक हाथ बराबर यूँ पीछे होना चाहिए। बहुत लोग ये सेट मारते समय कमर में हाथ रखते हैं या सामने यूँ हाथ रखते हैं, ऐसा नहीं करें। उसका बराबर जो मोमेंट है अपना हाथ पीछे होना चाहिए। और मेक श्योर प्लेट उतनी लगाए जितनी आपकी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि आप किसी को दिखाने ज़्यादा प्लेट लगा दिया, बहुत कम लगा दिया आपने। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना ही प्लेट लगाएं, ठीक है। आपका हाथ ऐसा ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, इसको मीडियम में हाथ रखना है आपको। और इस तरह से आपको परफॉर्म करना है, एकदम स्लो, यूँ फास्ट नहीं, एकदम स्लो, जितना स्लो आप कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना इसको ट्राइसेप को जितना स्लो मोमेंट में आप इसको परफॉर्म करेंगे उतना ही ट्राइसेप अच्छे डेवलप होंगे आपके, उतने अच्छे बिल्ड होंगे ये, ठीक है। तो इस हाथ में भी कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा दोनों हाथ में अपने बराबर, अगर आपने इस हाथ में 12 रिपीटेशन होती, इस हाथ में 12 ही रिपीटेशन होना चाहिए, क्योंकि बिगनर लोगों को पता नहीं था कि हमको किस तरह से वर्कआउट करना है। तो हमारे जो 5 सेट थे ये आज के, इसको जरूर आप एक बार ट्राई करें। और 3 मंथ का टाइम देना ट्राइसेप को, और 3 मंथ ये वर्कआउट परफॉर्म करें ट्राइसेप में, आपको बहुत अच्छा ट्राइसेप एक डेवलप मिलेगा, बहुत अच्छे मतलब एक बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा ट्राइसेप आपका। तो अपने वर्कआउट रूटीन में ये ट्राइसेप का सेट एक बार जरूर शामिल करें। और खास करके ये जो सेट मैंने जो बनाई, जो सेट मैंने जो तैयार किए हैं, प्रिपेयर किए, ये खास कर बिगनर्स लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बिगनर्स लोग खास करके अपने वर्कआउट शेड्यूल को ट्राई करें। तो आज के लिए वीडियो काफ़ी था। और सबसे आज जो बोनस टिप्स इस वीडियो की लास्ट है वो ये है कि आप कोई भी सेट, कोई भी ट्राइसेप हो या बाइसेप, कोई भी सेट हो, चेस्ट का, लेग का, शोल्डर का, तो उसकी पोजिंग होती है, वो पोजिंग कराना बोले जिससे अगर ट्राइसेप का जो वर्कआउट होगा तो ट्राइसेप पोजिंग ही है ये वाली। तो इसमें क्या है, आपको 12 सेकंड का होल्ड करना है इस हैंड में भी और इस हैंड में भी, हर दो सेट के बाद, हर एक सेट के बाद एज पर योर कैपेसिटी। पर इस बाइसेप की ट्राइसेप की पोजिंग को करनी बहुत जरूरी है। अगर आप बाइसेप करो तो बाइसेप की पोजिंग करना ना भूले, ट्राइसेप करो ट्राइसेप पोजिंग ना करना भूले, अगर आप शोल्डर ले रहे हो तो शोल्डर की पोजिंग करना ना भूले। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यही एक बोनस टिप से आपके लिए कि आपको एक बेस्ट बॉडी आपको बिल्ड करके देगी। जैसे आप देखते हो बहुत लोगों की बॉडी में एक अच्छी कटिंग रहती है, आप बोलते हैं कि इनकी ट्राइसेप कितनी अट्रैक्टिव है, क्योंकि उन लोग सेट मारने का तो उस चीज़ की पोजिंग लेते हैं, वो पोजिंग करते हैं। तो उस चीज़ में पोजिंग करना हमारे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा। अगर आपको बाइसेप की मेरी पहले वीडियो आई थी आप उसमें भी जाके देख सकते हैं कि बाइसेप की तरह मैंने परफॉर्म करके आपको बताया, ओनली फॉर बिगनर्स के लिए। सो गाइज आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मिलते हैं हम तीसरे वीडियो में जो आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।